ऐसे किया तो मेरे हाथ में आ गया, तो ये कहीं गिर जाए तो ये देखिए, ये देखिए आवाज सुन रहे हैं आप लोग हवा की, इस तरह की आवाज है हवा। सूरज निकल आया, पल में धूप पल में छांव। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल जफर ओंटेरियो कनाडा से। कैसे हैं आप लोग जी? आज हमारा ईद डिनर है जो सैटरडे को रखा गया है, तो उसके लिए जिस जगह हम जा रहे हैं उनके लिए कोई गिफ्ट लेकर जाना चाहते थे। उनको फूलों पौधों का काफ़ी शौक़ है, तो सोचा कि एक गुलदस्ता ले जाते हैं। गुलदस्ते से फिर हमने सोचा एक अलाइव प्लांट ही ले जाते हैं, जो चाहे तो घर में रखें चाहे तो बाग में उगाएँ। तो इसके लिए वॉलमार्ट से हमने ये गुलदान लिया, और ये जो फूल आप देख रहे हैं इन्हीं फूलों के नाम हमने अपनी छोटी बेटी का नाम ज़ीनिया रखा है, क्योंकि ये जो फूल आप देख रहे हैं इसको ज़ीनिया कहते हैं। चाहे तो आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, ZENIA। बच्चों का वालदैन पर हक होता है कि उनको अच्छे से नाम से नवाजें, तो हमें ये फूल बहुत पसंद है, इसकी वजह से हमने अपनी बेटी का नाम ज़ीनिया रखा। आप बताएं आपको ज़ीनिया नाम कैसा लगता है? नहीं ये कलर नहीं लेना। नहीं खूबसूरत रंग है। नहीं नहीं ये कलर नहीं, पर प्यारा है। मम्मा कौन सा कलर है? येलो येलो या मरून? रेड ले ले, प्यारा कलर है ना। रेड अच्छा लग रहा है। रेड उतना बड़ा सा नहीं है ना, उसकी लुक जरा थी। वो पीछे वाला है ना, पीछे वाला इसके पत्ते ज्यादा है। ये हाँ नहीं, उसका पत्ते भूखे। हाँ ये ले ले, पीच ले ले। हाँ ये प्यारा है। ले ले। लाल कपड़े मर्जी का। इसका खूबसूरत गिफ्ट है, खास तौर पे पौधे लवर के लिए। मुझे कोई देना तो खुश हूँ। पौधों का शौक है ना इनको। आजकल असल में मौसम में बहार के बहुत सारे फूलों वाले पौधे आए हुए हैं ना, तो ये वॉलमार्ट कोस्टको से मिल जाते हैं। पहले हमने ये वाला उठाया था, डबल शेडेड लीव्स वाला, लेकिन फिर हमने सोचा कि फूलों के साथ ज़रा ज़्यादा महक और बहार सी लगेगी, तो वो ज़्यादा खूबसूरत गिफ्ट लगेगा, इसलिए फिर हमने वो वाला उठाया। आप बताएं आपको गिफ्ट कैसा लगा सबसे पहले, अभी के अभी कॉमेंट करके बताएं, फिर आपको दिखाता हूँ फंक्शन। फिर जल्दी चलो यार, लेट हो रहे हैं। अभी मेहंदी लगानी है। ये कैसे लगाई है? अभी लगाई है? हाँ अभी अभी लगा ली। लेकिन वजू कर लेना चाहिए ये लगाने से पहले, ताकि क्या था अभी नमाज पढ़ी है सर की, फिर क्योंकि इसके अंदर ना पानी नहीं जाता, तो ऐसी चीज इसके अंदर पानी ना जाए फिर वजू नहीं होता, फिर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। तो ऐसी चीज लगाने से पहले आपको वजू कर लेना चाहिए और फिर आपको उतार देना चाहिए फंक्शन के बाद। ये भी अच्छा लग रहा है, इसके कलर्स कितने प्यारे लग रहे हैं मनी प्लांट के। खराब होगी अब निकलते वक्त। 6 बजे में बुलाया गया था, 6:30 बज रहे थे, और ऐन वक्त पे ना कहती है कि अभी तो पट्टा ही प्रेस नहीं है। प्रेस खराब होगी अब निकलते वक्त। एक सेकंड में हो जाएगा। तो जल्दी से कर दो उससे स्टीमर से। जो गिफ्ट हम लेकर आए थे वो कहाँ रखा है? ये हमने लिया था गिफ्ट, किसी घर जाते हैं खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता, तो हमने ये ले लिया। ये मौसम है बहार का खूबसूरत सा तोहफा है, ये कितना जबरदस्त है, वाह मजा आ गया। जल्दी से करना पड़ेगा प्रेस, एक मिनट इसको। तो दुपट्टा टांगेंगे कहाँ हम? ये क्या है? ये वाली क्या है? ये नेल्स थे, लेकिन मैं पाकिस्तान से जो नेल ग्लू लाई थी महंगे मेरे पास है, वो एक्सपायर हो गई, वो नेल ग्लू ही नहीं कर रही है।
हालांकि वहां पे थी मेरी ग्लू, लेकिन ये चीजें नहीं लगानी चाहिए, आप फिर काम नहीं कुछ भी कर सकते। नहीं ये अगर आपकी सही नेल ग्लू लगी हुई हो ना तो फिर आप चीजें कर सकते। पकड़े इसको मैं कहाँ रखूँ? प्लीज हटे, कहाँ टांगे इसको, फिलहाल इधर रख देते हैं। स्टैंड वाला वो भी बैक सपोर्ट वाला, वो हमारा वाला नहीं जो प्लेन था। हो गया मसला हल? लेकिन देखे घर काफी माशाल्लाह प्यारा था और खाने की मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन बहुत कुछ था मेन्यू में। कोफ्ते थे, चिकन हांडी थी, बिरयानी थी, नान थे और केक्स थे और खीर थी और शवरमा था और बहुत कुछ था और साथ में सब्जियां भी थी, काफी सारी डिशेस थी। और मीठे की थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखे, अच्छा सब केक्स हैं। वो नेल्सन वाली ब्राउनी है। कौन सी वाली है? ये नेल्सन वाली ब्राउनी। ये वाली है, दिस वन, यही मतलब। तो नाइस केक। नो नो नो, डोंट टच इट, डोंट टच इट। वीडियो बनाते बनाते मुझे ख्याल आया मेरे बाल काफ़ी लंबे हो गए हैं, आई नीड अ हेयर कट। अब बताएं ना से बाल कटवाऊं या किसी प्रोफेशनल नाई से जाकर कटवाऊं? एक काफ़ी नेक अंकल थे वहाँ पे, मज़हब की बातें बहुत कर रहे थे। मैंने पूछा आपका क्या अपना घर है यहाँ पे या रेंट पे रहते हैं? कहते हैं कि मैंने पहले अपना घर लिया था, लेकिन जैसे जैसे दीन का शऊर ज़्यादा होता गया तो मैं निकला सूदी चक्कर से और अब मैं 70 बरस का हो गया हूँ लेकिन रेंट पे रहता हूँ। लेकिन दिल का सुकून है, कभी भी इंसान कोई भी गैर इस्लामी काम ना करे। तो ये कहीं गिर जाए तो? ये तो इसको ये टाइट करवाना चाहिए ना? टाइट नहीं करवाना चाहिए, अब ये इस तरह ना। हाँ। तो ये इस तरह था। हाँ। तो ये जो है ना ये खड़े खड़े नाका खड़ा खुल गया और गिरने ही वाला था, अगर घूम जाता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो ये जब मैं इसको पीछे करूंगी ना तो ये लॉक हो जाएगा। अच्छा, उसके साथ खींच के खुल खुल जाता। तो इसको उल्टी डायरेक्शन में पहन लो। तो अब यही मैं सोचा कि इसको ऐसे पहन लो। हाँ, ऐसे बल्कि मैं भी है ही इसी तरह से ही। नहीं नहीं नहीं, ये होता भी इस तरह है, तुमने पहना वही उल्टा है। चाहे अगर आपके कोटी के साथ ऐसे करके खुल गया। हाँ, चलो चेन लगवा लेंगे या कुछ, लेकिन पाकिस्तान जाके ही होगा। बस आज की वीडियो यही तक, होपफुली आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट्स में माशाल्लाह लिख दीजिए, ये भी बताइएगा आपने वीडियो कहाँ से देखी है। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो।